नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है माही इन्फो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपके गांव में 2020 के अंदर किन किन लोगों ने पीएम आवास योजना का फ़ायदा उठाया है, किन किन लोगों ने 2020 के अंदर मकान बनवाया है पीएम आवास योजना के तहत। तो आप उनकी फ़ोटो और उनके डिटेल देख सकते हो, किन किन लोगों को कितने कितने रुपये मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये मिलते हैं। वो किन किन लोगों को मिले हैं और किन किन लोगों ने मकान बनवाए हैं, आप उनकी सारी डिटेल ले सकते हो। अगर दोस्तों आपने पीएम आवास योजना का फायदा लिया है तो आप भी उसमें अपना नाम देख सकते हो, अपनी फोटो देख सकते हो। तो बहुत ही सरल तरीका, मात्र 1 मिनट के अंदर आपके पूरे गांव की है वो लिस्ट देख सकते हो किन किन लोगों ने फायदा उठाया। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गूगल में जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है, सर्च बार में PMAYG। जी हाँ दोस्तों, PMAYG.nice.in पर आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर पीएम आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के सामने आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक हरी पट्टी के अंदर एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर तीन लाइनें दिख रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस डिब्बे पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों दो नंबर का ऑप्शन आता है, आवास ऑप्ट। आवास ऑप्ट पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप आवास ऑप्ट पर क्लिक करते हो, दोस्तों यहाँ पर दो नंबर का ऑप्शन आ जाता है रिपोर्ट का, तो आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए का ऑप्शन है, हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दोस्तों फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर दो नंबर का ऑप्शन है, हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट पर क्लिक करते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर 2020 कर देना है। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेलेक्ट करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपका जो तहसील है वो सेलेक्ट करना है, फिर आपका जो जिला है वो सेलेक्ट करना है, और फिर दोस्तों आपका गाँव सेलेक्ट करना है। और फिर दोस्तों इतनी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे नीचे दिखा रखा है सबमिट, इस सबमिट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके गांव की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ चुकी है। आप इस लिस्ट को आपके PDF के तौर पर डाउनलोड भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके गाँव में जितने भी 2020 के अंदर नए घर बने हैं, जी हाँ दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों के घर बने हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। और इनके जो नाम है और इनके जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। और दोस्तों इनको पीएम आवास योजना के तहत कितना पैसा मिल है, जी हाँ दोस्तों 1,20,000 रुपये का जो पीएम आवास योजना के तहत पैसे मिलते हैं, उन्हें कितने रुपये मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितने कितने रुपये मिल चुके हैं और उनके घर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों सभी के वो इन लोगों के है वो घर कंप्लीट हो चुके हैं, सारी डिटेल सामने आ चुकी है। तो इस तरह से आप अभी अपना अगर नाम चेक करना चाहते हो तो अपने गांव की लिस्ट देखना चाहते हो तो आसानी से देख सकते हो और इसमें अपना नाम भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको छोटी सी जानकारी से लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।